हेलो दोस्तों, कैसे हो? आइयो, बढ़िया होंगे। भगवान से दुआ करती हूँ मेरी यूट्यूब फैमिली हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे। आपके चेहरे को भी हेल्दी बनाने के लिए, चिकना और चमकदार बनाने के लिए आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छी रेमेडी बताने वाली हूँ, जिसका आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। अगर आप इसे अपने चेहरे पर लगाएंगे तो चमक तो आएगी ही, साथ ही साथ आपकी डैमेज और डल स्किन में भी ये जान डाल देगा, आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाएगी रेमेडी, साथ ही आपकी झुर्रियों को, रिंकल्स को, फाइन लाइंस को ख़त्म कर देगी, दाग धब्बों को, किसी भी प्रकार के काले निशान को जड़ से हटा देगी, आपके चेहरे पर चमक अलग लाएगी, ग्लो लाएगी, आपकी स्किन को बेहद मुलायम और नरम भी बनाएगी, साथ ही साथ आपकी स्किन की सफाई भी करेगी। रेमेडी तो बहुत अच्छी प्यारी सी आपको स्किन मिलने वाली है इस रेमेडी के द्वारा, तो वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। कोकोनट ऑयल लेना है आपको। देखिए, कोकोनट ऑयल में जो है एक लोरिक एसिड होता है जो त्वचा पर किसी भी प्रकार की सूजन है, डार्क स्पॉट्स हैं, पिगमेंटेशन है, जलन है, खुजली है, उसे तो ठीक करता ही है। साथ ही साथ इसमें विटामिन ई भी होता है जो आपकी स्किन को नरिशमेंट देगा, आपकी झुर्रियों को ख़त्म करेगा, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करेगा, झुर्रियाँ, ड्राइनेस इनको ख़त्म कर देगा और आपके काले निशान को हटाने में बहुत ही बढ़िया काम करेगा हमारा कोकोनट ऑयल, जो के लिए, बालों के लिए, स्किन के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है। तो एक चम्मच ले लिया मैंने। अब आपको देखिए, इसमें जो है दूसरी चीज़ ऐड करनी है, हल्दी। अगर किचन वाली है तो बिल्कुल ही एक पिंच लेनी है एक चम्मच कोकोनट ऑयल में। कस्तूरी है तो आप थोड़ी सी उससे ज़्यादा ले सकते हैं। तो ये मेरी कस्तूरी हल्दी है। आपकी स्किन पर से दाग धब्बों को हटाने में, किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन को हटाने में बहुत बढ़िया काम करेगी। स्किन पर से रंग को निखारने में बहुत बढ़िया काम करेगी, मतलब स्किन को निखारने में अच्छा काम करेगी हल्दी, और आपकी स्किन को अंदर से ग्लो देने में बहुत बढ़िया काम करेगी। तो फिर आपको लेना है थोड़ा सा नींबू। देखिए फ्रेंड्स, नींबू में जो है विटामिन सी होता है, एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। विटामिन सी दाग धब्बों को हटाने के लिए जाना जाता है। एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज झुर्रियाँ, रिंकल्स को हटाने के लिए काम करेंगी, और एंटीऑक्सीडेंट आपकी त्वचा को पोषण मिलेगा, आपकी त्वचा अंदर से निखर कर आएगी। तो यहाँ पर आपको लेना है आधा चम्मच, आधा चम्मच से भी कम लीजिएगा, 3-4 बूंद ले लीजिएगा। ये मेरा नींबू थोड़ा सा टाइट है, निकल नहीं रहा है, तो मैंने इसमें 1/4 चम्मच नींबू का रस ऐड कर दिया है। तो ये भी बढ़िया काम करेगा इसमें मिलकर। फिर चौथी चीज़ जो है आपको लेनी है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल में देखिए एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज होती है, प्राकृतिक प्रॉपर्टीज होती हैं इसमें, साथ ही साथ इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण भी होते हैं, हाइड्रेटेड गुण भी होते हैं, जो त्वचा पर से दाग धब्बों को, झुर्रियों को, रिंकल्स को हटाने में बढ़िया काम करेगा, डैमेज स्किन को रिपेयर करेगा, साथ ही साथ आपकी स्किन को पोषण देगा, स्किन फिर से झुर्रियाँ हैं, रिंकल्स हैं, उन्हें हटाने में बहुत हेल्प करेगा, स्किन को अंदर से हेल्दी ग्लोइंग बनाने में हेल्प करेगा एलोवेरा जेल। तो 1 चम्मच मैंने एलोवेरा जेल लिया है। इन सारी चीज़ों को कर लेना है बढ़िया तरह से मिक्स, और मिक्स करेंगे तो ये एक सीरम के रूप में आ जाएगा, जैसे एक सीरम होता है। तो फ्रेंड्स, जो ये मैं रेमेडी आपको बता रही हूँ ना, बिल्कुल नेचुरल है, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, हर प्रकार की स्किन पर ये सूटेबल है, और आपको इसे कैसे लगाना है मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी। तो प्लीज़ पूरी जानकारी लेकर मेरे दोस्तों तभी रेमेडी को यूज करा करें। वीडियो को स्किप कर देते हैं आप और फिर बाद में पूछते हैं कि इस रेमेडी में क्या करना, इसे कब लगाना, तो ये ठीक नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। थोड़ा सा समय निकाल कर वीडियो को प्लीज़ पूरा देख लिया करें। ये रेमेडी भी आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे गुड गुड रिजल्ट्स देने वाली है। तो आपको इसे मिक्स कर लेना है। देखिए इस तरह का हो गया है, मिक्स होकर एक सीरम के रूप में आ गया है। तो आपको इसे अपने पूरे चेहरे पर लगाना है। आपको इसे चेहरे पर लगाना है रात में सोते समय। और किस तरह से लगाना है चलिए मैं बताती हूँ। आपको अपना फेस क्लीन कर लेना है, मेकअप किया है, कोई क्रीम लगाई है, सनस्क्रीन लगाई है, पूरे दिन की धूल मिट्टी है उसे साफ़ कर लीजिएगा, चाहे तो रोज़ वाटर साफ कर लीजिए, और इसकी आपको मसाज करनी है लगाकर, अच्छे से रगड़ रगड़ कर मसाज करनी है आपको। ये जो है आपकी स्किन के अंदर जाएगा, आपके डेड सेल्स को रिमूव कर देगा, आपके जितने डैमेज सेल्स होंगे उन्हें ये रेमेडी रिपेयर करेगी, आपकी स्किन पर से कोलेजन को बढ़ाने में हेल्प करेगी, जिससे झुर्रियाँ ख़त्म होंगी, रिंकल्स ख़त्म होंगे, स्किन टाइट बनेगी और स्किन पर से दाग धब्बे भी कम होंगे,
जैसे जैसे यूज करते रहेंगे तो आपके डार्क स्पॉट्स भी हटते रहेंगे और आपकी स्किन अंदर से निखरने लगेगी। जब स्किन को पोषण मिलता है ना और डेड सेल्स रिमूव होते हैं तो स्किन अंदर से निखरती है दोस्तों। तो ये रेमेडी भी कुछ ऐसे मैजिकल वर्क करने वाली है आपकी स्किन पर, तो आपको इसे खूब बढ़िया तरह से रगड़ना है जब तक स्किन के अंदर ना चला जाए ये जो हमारा है सीरम। कम से कम आपको 5 मिनट अच्छे से मसाज करनी है अपने चेहरे पर। इसका एक बेनिफिट ये होगा कि जब आप मसाज करेंगे तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, और जब ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है तो डार्क स्पॉट्स पिगमेंटेशन वगैरह बहुत ही आसानी से हटती है, क्योंकि खून का दौर चलता है तो जो सेल्स जमा हो जाते हैं काले काले पैचेस तो वो हटते हैं, तो इससे आपकी स्किन में चमक आएगी। तो आपको इसकी मसाज करके सो जाना है और सुबह 12 घंटे तक इसे छोड़ना है आपको, और सुबह आपको अपना चेहरा सादे पानी से आपको धो लेना है या फिर थोड़ा सा गुनगुना पानी कर लीजिएगा, ज़्यादा तेज मत लीजिएगा गर्म, और फिर आईने में अपना चेहरा देखिएगा दोस्तों, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत मुलायम, और आपको निखरी हुई त्वचा मिलेगी, चमक अलग मिलेगी आपको अपने चेहरे पर। आप चाहे देख ही लीजिएगा पहले चेहरे में और अब चेहरे में इसे लगाने के बाद आपको कितना विजिबल चेंज मिलेगा। अब मैं आपको यहाँ पर रिजल्ट दिखाऊंगी, आप रिजल्ट देखकर चौंक जाएंगे। इंस्टेंट भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगी रेमेडी, चमक देगी आपको आपके चेहरे पर। तो यहाँ पर मैं आपको हैंडवॉश करके दिखा रही हूँ, आप इसका रिजल्ट देख सकते हैं दोस्तों। देखिए मेरा हाथ की स्किन आप देख सकते हैं, ये रिजल्ट आपके सामने है। वाओ, बहुत ही अच्छी स्किन हो गई है, बहुत सॉफ्ट हो गई है, मुलायम हो गई है और साफ भी हो गई है, ये देख सकते हैं आप दोस्तों। फ़र्क है स्किन में, देखिए ऊपर से हाथ मेरा निखरा हुआ है, नीचे से थोड़ा सा ब्लैक है, तो फ़र्क आता है। रेमेडी लगाते हैं जब हम तो स्किन में चेंज ज़रूर आता है दोस्तों। बहुत अच्छी स्किन होने वाली है आपकी, जब मेरे हाथ पर एक बार में इतना अच्छा रिजल्ट दे सकती है तो चेहरे पर क्यों नहीं देगी। और सच बताऊं तो देखिए मैंने भी अपने हिस्से की बना कर रख लिया है, मैं भी इसे यूज करने वाली हूँ, आप इसे ज़रूर यूज करिएगा। यहाँ पर भी आप फ़र्क देखिए, एक हाथ मेरा चमकदार है, एक हाथ मेरा डल है, और बहुत ही अच्छा ग्लो चमकदार चेहरा आपका भी होने वाला है ऐसे ही, और आपको एक बार से ही फ़र्क दिखाई देना शुरू हो जाएगा, डैमेज स्किन ख़त्म हो जाएगी, चमक आ जाएगी आपके चेहरे पर, इतना बढ़िया ग्लो लाएगी ये रेमेडी। तो बिल्कुल नेचुरल है, ऑल स्किन टाइप है, बस इसके 12 घंटे तक आपको कोई भी साबुन फेस वॉश नहीं लगाना, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपके लिए वही रेमेडी लाती हूँ जिसका रिजल्ट बेस्ट हो, जो आपको फ़ायदा करे। मैं कभी नहीं चाहूँगी कि मेरी वजह से किसी की भी स्किन ख़राब हो। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए मेरे प्यारे दोस्तों बाय।